कहते हैं अगर शरीर को स्वस्थ रखना हो तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से कई तरह के रोग तो दूर होते ही हैं, साथ ही शरीर में उपस्थित विषैले पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। त्वचा कांतिमय रहती है। हमारे शास्त्रों में वरुण को जल का देवता माना गया है। माना जाता है कि तांबे के जग या पात्र का पानी पीने से कई तरह की पेट से संबंधित समस्याएं भी खत्म होती हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार तांबे को सूर्य की धातु माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में ना हो या नीच राशि में हो तो तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ देने से सूर्य से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। इसी कारण नीच के सूर्य का प्रभाव कम करने के लिए तांबे की अंगूठी पहनने की राय दी जाती है। साथ ही ज्योतिष के अनुसार एक मान्यता यह भी है कि कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति में ना होने पर किसी भी कार्य में आसानी से सक्सेस नहीं मिल पाती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर सफलता नहीं मिल रही हो, वह अपने जीवन को सफलता चाहता हो तो उसे सूर्य से जुड़े उपाय करने चाहिए। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य अच्छा है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए सूर्य को बलि बनाना आवश्यक है। इसके लिए रात्रि को तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें माणिक डालकर रात भर रखें और वह पानी पिएं, क्योंकि माणिक को सूर्य का रत्न माना गया है। दरअसल इसका एक और पहलू है, वो है कलर थेरेपी। कलर थेरेपी के अनुसार लाल रंग को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जाता है और लाल धातु को लाल रत्न यानी तांबे में माणिक रत्न यदि काम करता है, ऐसा नियमित रूप से करने से सूर्य से जुड़े सारे दोष दूर होने के साथ ही कई रोग भी दूर होते हैं। दिन भर तन व मन स्फूर्ति से भरा रहता है और शीघ्र ही सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।